हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन लर्न शॉर्ट एंड इंग्लिश पंजाबी एंड हिंदी यूट्यूब चैनल। तो अज असी करांगे चैप्टर 11 इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। सो स्टूडेंट, पहले असी स्ट्रोक्स लिखते आए हैं विदाउट एनी हुक। यह जिहड़ी हुक असी हुण लावांगे, पहले असी बिना हुक दे लिखते हैं पी बी टी डी के जे के गे एफ वी इश जी इथ दी एस जेड एम एन इंग एल आर डब्ल्यू वाई एच एच। सो आर भी दो दिते हुए है, एच भी दो दिते हुए साढ़े को। सो स्टूडेंट, ये सिंपल साउंड पी दी प ब ड ड च ज क ग फ व श य थ द स न म न ङ और ल र व य ह। सो हुण स्टूडेंट, जदों असी इन्हां नूं पी नू पी तो लैके ये जिन्ने भी स्ट्रोक्स है इन्हों हुक लावे तो इस तरह हुक लगेगी। इन्हों लैफ्ट मोशन राइट मोशन, जिमें पी आर स्ट्रेट स्ट्रोक्स नू राइट मोशन लावे, बी आर टी आर डी आर जे आर जे आर के आर गे आर। तो करवड स्ट्रोक्स के इनसाइड एक छोटी हुक लगेगी एफ आर वी आर इश आर जी आर इथ आर डी आर। सो एस जेड नूं असीं हुक जिहड़ी है नहीं लाते आर दी, एम आर एन आर इंग नूं असी हुक लाते हाँ तो इहदी साउंड हो जाती है इहदे च इंकर ते इंगर। सो एल नूं असी नहीं लाते हुक शुरू विच, आर नूं लाते हैं तो अपवर्ड नूं ए डबल्यू बन जाता है। दूसरे डाउन स्ट्रोक आर जिहड़ा उहनूं लावांगे तो अगले चैप्टर मुताबिक अल्टरनेट स्टॉप्स बन जाएगा। वाई नूं भी नहीं ला सकते एच नूं, जिन्हां ते मैं डैश मारी है ये डैश किए ने इन्हों असी आर हुक नहीं लाते। सो इस तरह ही सारे स्ट्रोक्स में असी एल हुक भी लगा के देखते हैं। लैफ्ट मोशन जी है स्टेट स्ट्रोक्स में हुक लगती है एल दी, पी एल बी एल टी एल डी एल के एल जे एल के एल गे एल एफ। कर्व्ड स्ट्रोक्स के इनसाइड असी पहला एफ नूं आर दी हुक लाई तो हुण एफ नूं एल हुक लावांगे। तो जिहड़ी आर हुक है वह छोटी लाउंदे आ ते एल हुक थोड़ी वड्डी लाउंदे आ, एफ एल वी एल। तो ईश नूं जदों असी एल हुक लाउंदे आ ते ईश नूं एल हुक ला के हमेशा इहनूं अपवर्ड लिखदे आ। सो उंजे ईश जिहड़ा असी डाउनवर्ड लिखदे आ जिवें कि इत्थे लिखिया होया, बट जदों इहनूं आर हुक लाते हैं हमेशा डाउनवर्ड लिखते हैं, तो जो एल हुक लाते हैं तो हमेशा अपवर्ड लिखते हैं। सो जी नूं एल दी हुक नहीं लगती, इथ नूं एल हुक लगती है, बट दी नूं एस नूं एन एम एन इंग ये सारे स्ट्रोक्स नूं एल हुक नहीं लगती। सो एम नूं असी एल हुक लगा सकते हैं, एन नूं भी एल हुक लगा सकते हैं। सो अगे जो इन्हों हुक ला देंदे हैं तो इन्हों की साउंड बन जाती है, जिमें पी नू आर दी हुक लाई तो पर, बी नू आर दी बर टर डर चर जर कर गर फर। इस तरह ही वी आर वर शर यर थर दर इद मर नर। तो इंग नू लावांगे तो इंकर ते इंगर ये साउंड उहदी हो जाती है। तो जो एल हुक लाते हैं पी नू एल हुक लाई तो
पल बल टल डल चल जल कल गल फल वल ते शल थल मल ते नल। सो स्टूडेंट इस तरह सारे स्ट्रोक्स में जिन्हों हुक लगती है लाती, जिन्हों नहीं लगती उन्होंने असं नहीं लावे। तो इस तरह फिर ये साढ़े जड़े ये स्ट्रोक्स ने इन्हों वॉल सिस्टम उस तरह ही है जिमें कि आप पहला लाते आए हैं। तो वह असं देखते हैं जिमें कि वर्ड टाई टी टी नूं असीं आई फस्ट प्लेस ते लाया सी टाई। तो इस तरह वॉल लाते ही विदाउट हुक वाले स्ट्रोक्स नूं, ते जो इनू आर हुक लगे हुए जिमें टी आर ट्राई टी आर ते आई ट्राई उस तरह ही लगेगी टी आर तो बाद जां टी आर तो पहला। ते इस तरह ही ट्राइफल टी आर एफ एल ट्राइफलर ट्राई फलर। इस तरह ही अगे वर्ड लै लेंदे हैं पाई, जिस तरह के विदाउट हुक स्ट्रोक नूं असी वॉल लाया सी पाई, उस तरह ही हुकड स्ट्रोक जिमें कि पी एल वाई प्लाई ते पी एल आई सो प्लाई। इस तरह ही अगे वर्ड आ जाता एप्लाई, पी एल तो पहला फस्ट प्लेस वॉल है ए, उस तरह ही पी एल तो पहला पी एल तो बाद एप्लाई। तो पल की साउंड तो पहला वॉवल तो बाद विच वॉवल। सो इस तरह ही वर्ड लेंदे हैं लीड लीड असी इस तरह लिखते सी, बट जे हो वर्ड लीडर डी डी दे नाल आर दी भी साउंड आ रही हो फिर डी नूं असी हुक ला लवेंगे डी आर लीडर। जे अगे आए वर्ड लीडरलैस तां एल डी आर लैस, लीडर तां इस लिखे ही उस तरह ही लैस अगे, मतलब डी आर हुकड फॉर्म मिडल दे विच भी हुकड फॉर्म वाला स्ट्रोक असी लिख सकते हैं। सो अगे वर्ड लेंदे हैं जी पिटी पिटी असी इतना लिखते ही विदाउट एनी हुकड स्ट्रोक साडा वर्ड है ये। तो जे हुंदा प्रीटी इट मीन पी नूं आर दे हुक लगेगी, हुण पी आर हुकड फॉर्म यूज़ करांगे तो पी आर तो बाद वॉवल जिहड़ा है अगले स्ट्रोक दी भी फोर साइड, उस तरह ही जिमें कि विदाउट एनी हुक स्ट्रोक सीगा तो उस तो बाद वॉवल यूज़ करते ही उसदा ही हुकड फॉर्म तो पहला तो हुकड फॉर्म तो बाद वाला वॉवल उस तरह ही यूज़ करांगे प्रीटी। तो अगे साढ़े को पीटर पी ते फिर टी आर थर्ड प्लेस वॉवल टी आर तो पहला पीटरलू पी फिर टी आर पीटर तो लिखे ही सी अगे लू एक्सट्रा एल जुड़ गया तो पीटरलू। इस तरह ही वर्ड कुछ इस तरह भी होंगे जिमें डीपली डी पी ए पी एल ते ई एल दी साउंड थोड़ी जी वक्री आ रही होंगी है पी और पी दी डीप नाल आ रही है वर्ड ली वक्री आ रही है साउंड, फिर भी असी यह जड़ा हुकड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जिमें कि ब्रीफली 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 बी आर ते एफ एल ब्रीफली भावें इत्थे ब्रीफली ब्रीफ तो ब्रीफ बन ब्रीफ तो ब्रीफली बनता है ब्रीफ फिर अगे ली दी साउंड आ रही है, फिर भी असी एफ नूं एल हुक ला के यूज़ कर सकते हैं हुकड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं ब्रीफली ब्रीफलैस ब्रीफलैस। सो स्टूडेंट नैक्सट वर्ड लेंदे हैं थिनली इथ एन एल थिनली। हुण इत्थे भी थिन अलग जे वक्खरा लिखिए तो अगे एल दी साउंड लाइए तो थिन ली इट मीन अलग जी साउंड आती है एल दी, फिर भी इसदे लई ही एन ते एल लई हुकड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एनलाइवनर एन लाई वी
N are hooked form, N livener. So इसे तरह अगला वर्ड लेंदे हैं सी बंकर, बी इंग नू आर हुक ला के बंकर। जो असी इंग नू आर दी हुक लाउंदे हां तां इहदी आवाज़ कर अंकर ते अंगर दी हो जांदी है। सो स्टूडेंट बिच लाइट चली गई, इनवर्टर ते पखे दी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं फैन बंद कर देवां। सो स्टूडेंट अगला वर्ड लेंदे हैं असी डिंकर, डी आर फिर इंकर। इस तरह ही टिंकर, टी फिर इंकर, टिंकर। इंग नू जदों असी हुक लांदे हां आर दी तां इहदी साउंड हो जांदी है इंकर ते इंगर, जिमें लिंगर एल ते इंगर, लिंगर एल ली तो बाद इंगर दी एन जी आर दी साउंड आ रही है लिंगर। फिंगर फिगर एफ इंगर फिंगर, मेलिंगर एम एल ते इंगर मेलिंगर। सो इस तरह ही अगला वर्ड लेंदे हैं जिमें कि मैजर ट्रेजर लेजर फिशर श्रिंक श्रूड। तो जिहड़ी इश आर ते जी आर नू असी हुक जदों लांदे हैं तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही लिखे जांदा है, तो जदों पीवीशली ऑफिशियल मार्शल ईश नू एल हुक लांदे ये हमेशा अपर लिखे जांदा है। जिमें कि वर्ड मैजर एम जी आर, ट्रेजर टी आर ते जर जी नू आर हुक। इस तरह ही अगे लै लिए लेजर एल ते जी आर, ते एफ इशर फिशर श्रिंक इश आर इंग ते के श्रिंक श्रूड इश आर थ्रू द लाइन थर्ड प्लेस ऑल ते डी श्रूड। इस तरह ही इश एल जिहड़ा है हमेशा अपवर्ड यूज हुंदा है, इश आर ते जी आर ते इश आर असीं हमेशा डाउनवर्ड यूज करांगे। पी बीशली पी बी इशली, इश एल जिहड़ा अपवर्ड। ऑफिशियल ऑफिशियल इश एल। सो इस तरह ही वर्ड अगे लवांगे आपां स्पैश मार्शल एम आर ईशल मार्शल, स्पैशलाइज स्पैशलाइज। सो इस तरह स्टूडेंट ये साडा चैप्टर इत्थे कंप्लीट हुंदा है। इस तो अगे उस तरह ही वर्ड एक्सरसाइज आ जाएगियां, एक एक पेज ते तीन तीन वर्ड लिख लेना ते बाकी ब्लैंक लाइना ते उन्हां दी प्रैक्टिस करना। सारे दोनों एक्सरसाइज दें जिन्हें भी पेज बनते उन्होंने सारे की प्रैक्टिस करन तो बाद साढ़े को ग्रैमर लॉज आ जाएंगे। ग्रैमर लॉज की प्रैक्टिस भी उस तरह ही जिमें कि असी पहला भी करते आए हैं तो हूँ भी असी यदी पिछले ग्रैमर लॉज तो इन्हों की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। इन्हों जिमें कि प्रिंसीपल प्रिंसीपल प्रिंसीपली, पी आर जड़ा थ्रू द लाइन प्रिंसीपल प्रिंसीपल ते प्रिंसीपली। लिबर्टी वास्ते बी आर अबव द लाइन लिबर्टी। मैंबर मैंबर मैंबर्ड, बी आर ऑन द लाइन मैंबर रिमैंबर रिमैंबर्ड। इदा ही नंबर नंबर्ड, बी आर थ्रू द लाइन नंबर नंबर्ड। ट्रुथ टी आर ऑन द लाइन, ते डॉक्टर ते डॉक्टर इन्हों दोनों वास्ते ही डी आर ऑन द लाइन लिखांगे डॉक्टर। डीयर वास्ते डी आर, डॉक्टर वास्ते सॉरी अबव द लाइन लिखांगे, ते डीयर वास्ते ऑन द लाइन लिखांगे,
ड्यूरिंग वास्ते डी आर थ्रू द लाइन लिखांगे, चेयर वास्ते चे आर ऑन द लाइन, चीयर वास्ते चे आर थ्रू द लाइन, तो लार्जर वास्ते जे आर अबव द लाइन लिखांगे, तो केयर वास्ते के नू आर हुक ला के आपां ऑन द लाइन लिखांगे। इस तरह स्टूडेंट ये ग्रामर लॉज कंप्लीट होंदे आ। तो इस तो अगे साढ़े को पैराग्राफ्स आ जाते हैं, एक पेज से जिनी शॉर्ट एंड आएगी उन्नी लिख लेना शॉर्ट एंड, तो फिर वो पूरा पेज वो प्रैक्टिस करना शॉर्ट एंड बार बार लिख के उ लाइन की, तो फिर इस तरह सारिया लाइना अगले तो अगले अगले पेज से लिखते चले जाना। तो फिर अगे आ जाती है डिक्टेशन वाला पैराग्राफ, इनू मैं थोनों अगे जल्दी ही अपलोड कर देंगा। सो जे थोड़ा मेरा मैथड चंगा लगे हो, शॉर्ट एंड सिखाने का तरीका चंगा लगे, इनू लाइक तो शेयर जरूर कर देना, तो सबसक्राइब भी कर देना जे नहीं किया हूँ तक। तो अगली वीडियो मिलते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी।